is filling this place. परमेश्वर की महिमा इस जगह में भर रही है. You are the glorious people of God. आप परमेश्वर के महिमामय जन हैं. You're filled with the praise and the glory of the living God. आप परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा से भरे हुए हैं. It's been a wonderful day. ये एक बहुत अद्भुत दिन रहा है. I don't think I ever had three Lord's table in the same morning on a Sunday. मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी तीन बार लगातार एक संडे में प्रभु भोज लिया है. Glory to God. प्रभु को महिमा मिले. It's so good to be in the house of God. प्रभु के भवन में होना कितना अच्छा है. Let me take you to the word of the living God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें. Let the Holy Spirit distribute the word and divide the word rightly in our midst. परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में सही रीति से बांटने पाए. People, this is an intense moment in the history of humanity. प्रियो, आप समझें कि मानवता के इतिहास में ये जो समय चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है. This is a very significant time for all history. ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है सारे इतिहास के लिए. This is a very historic time for the nation of India. भारत देश के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण समय है. I remember 30 years back when I traveled overseas, India was considered a very underdeveloped country. मुझे याद है कई वर्ष पहले जब मैं बाहर जाता था भारत से बाहर, तब मैंने सुना था और देखा था भारत बहुत ही निचले देशों में से एक गिना जाता था. साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक कलीसिया में खड़े होकर आराधना कर रहा था. This song that you sang was being sung there in this in one of those churches, I think. वहाँ की एक कलीसिया में यही गीत गाया जा रहा था जो अभी यहाँ पर दान देते समय गाया गया. And they were singing. These Australians are very patriotic. वो सब लोग गा रहे थे और ये जो ऑस्ट्रेलियन लोग होते हैं अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं. They were holding their hands together and big huge burly guys with tears in their eyes were singing a particular song to the Lord. वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और जितने बड़े बड़े दिखने वाले ऊंचे लंबी काठी वाले जितने वर पुरुष थे वो सब भी आंसू बहा बहा के गा रहे थे. And the song was my great the song was the great Southland of the Holy Spirit. जो गीत का नाम था वो इस तरह the great Southland of the मतलब पवित्र आत्मा का एक देश. Australia is in the southern hemisphere. जो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत के दक्षिण पूरे विश्व के दक्षिणवे हिस्से में आता है. India is in the northern hemisphere. जो भारत है वो उत्तर भाग में आता है. The man who discovered Australia probably initiated the song Australia, the great Southland of the Holy Spirit. तो जिस पुरुष ने ऑस्ट्रेलिया का आविष्कार किया उसे खोजा उस पुरुष ने ही ये गाना शायद लिखा है कि ये जो दक्षिण हिस्से में पाया गया पवित्र आत्मा का देश. And these big guys and women were singing and tears were flowing down, singing about their nation that it shall be the Southland of the Holy Spirit. और ये बड़े-बड़े दिखने वाले स्त्री और पुरुष भी आंसू बहा-बहा कर इस गीत को गा रहे थे और ये घोषणा कर रहे थे कि ये देश पवित्र आत्मा का है. Because I was there that day visiting, I also sang that song. उस दिन भी मैं वहां था जब तो मैं भी उनके साथ मिलकर ये गीत गाने लगा. While the song was going on, I asked the Lord this question. जब ये गीत चल रहा था मैंने प्रभु से ये सवाल किया. Well, what am I doing here? मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? These guys are singing about their nation. ये लोग तो अपने देश के बारे में गा रहे हैं. What about my nation? मेरे देश का क्या? And this I asked from the background of the shame I carried because of the film I saw called Shocking Asia. Shocking Asia. करके एक फिल्म है. एक पिक्चर निकली थी कुछ समय पहले जिसका नाम था शॉकिंग एशिया और उस पिक्चर को देखने के बाद एक शर्मनाक पृष्ठभूमि मुझे मिला. इट्स अबाउट द अग्ली सीन्स इन इंडिया फिलीपींस एंड ऑल द एशियन नेशंस द अग्लीनेस द स्लम लाइफ द इमोरालिटी द फ्लैश ट्रेड ऑल ऑफ दैट इज वेरी हाईली हाईलाइटेड इन दैट फिल्म. इट्स अ शेम टू सी दैट एक्चुअली. उस पिक्चर के अंदर भारत और एशिया के अलग अलग राज्यों की गंदगी और बदसूरती को दिखाया है जो झुग्गी और यहाँ पर होने वाला शारीरिक यौन संबंध जो लोग करते हैं वो सारी गंदगी उन पिक्चरों में दिखाई रखती है. I saw for about 6-7 minutes I had to close my eyes. I said I will never see that film again. मैंने सिर्फ 6-7 मिनट के लिए ही वो पिक्चर देखी. उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और निर्णय लिया आज के बाद मैं कभी ये पिक्चर नहीं देखूंगा. So while these guys were singing that song, I asked the Lord, what about my nation? तो जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया में वो गीत गा रहे थे तब मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु मेरे देश का क्या होगा. After the song was finished and everything was quiet,
I heard the voice of God inside me. जब जो संगीत है वो बंद हुआ, गीत समाप्त हुआ, तब मैंने परमेश्वर की आवाज अपने अंदर सुनी. Your land shall be the land of God's glory. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा देश परमेश्वर की महिमा का देश कहलाएगा. I wrote down that in my heart. वो बात मैंने अपने दिल पर लिख ली. That India shall be the land of God's glory. कि जो भारत है वो परमेश्वर की महिमा का देश होगा. Then I began seeking the Lord. How will that happen? तो मैं परमेश्वर को खोजने लगा, सोचने लगा ये कैसे होगा? Because I know the land is full of darkness and false god worship, all corruption, all deception, all immorality, all kinds of perversion is filling the land. क्योंकि मैं जानता था कि भारत तो अंधकार से भरा हुआ है, बहुत से देवी देवताओं से, मूर्ति पूजा से, बहुत से अंधकार के कामों से, गंदगी से भरा हुआ है. But the Lord told me this line. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे ये कहा. I'll raise many sons in the nation. मैंने इस देश में बहुत से पुत्रों को खड़ा किया है. I will raise many of them, and they will be a generation of glory for me. मैं ऐसे बहुत पुत्रों को खड़ा करूँगा और वो मेरे लिए एक महिमा की पीढ़ी बन जाएंगे. I will pour my glory upon my sons. मैं अपनी महिमा को अपने बेटों पर उंडेलूंगा. And I'll cause my sons to walk to and fro in the nation. और मैं अपने बच्चों के अंदर ये प्रेरणा दूंगा कि वो देश में ऊपर नीचे चलें फिरें. And the glory that they carry shall pervade the darkness and remove the filth and the cleanness of the nation. और जो महिमा मैं अपने बेटों में डालूंगा वो महिमा इस देश के अंदर मौजूद अंधकार को दूर करेगी और इसके अंदर उजाले को लेकर आएगी. Sons carry the glory of God. बेटे परमेश्वर की महिमा लेकर चलते हैं. With that background, let me read this verse to you. मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. In Malachi chapter 4. मलाकी की पुस्तक चौथा अध्याय. It's the Old Testament last verse, the last chapter of the last book in the Old Testament. ये पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है और इस आखिरी पुस्तक का आखिरी अध्याय है. For behold, the day is coming, burning like an oven. क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है. When all the arrogant and all the evil doers will be stubble. जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे. That's a huge day coming. ये एक बहुत भयंकर दिन है जो आ रहा है. This is yet to happen in the history of humankind. अभी मानवता के इतिहास में अभी ये दिन आना है. Behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all the evildoers will be stubble. देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे. The day that is coming shall set them ablaze, say the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है. It's a fearful thing to listen to that. ये सुनने से ही हमारे अंदर डर आ जाता है. There's a day of judgment coming. एक न्याय का दिन है जो आ रहा है. There's a day of accountability coming before the Lord of God. एक ऐसा दिन आ रहा है जब हमें उत्तरदायित्व खड़ा किया जाएगा. There's a world hypocritically living and serving the living God. वो एक ऐसा संसार है जो पाखंड कर रहा है परमेश्वर के नाम से. There's a world that is outrightly rebelling against the living God. ऐसी दुनिया ये है जो परमेश्वर के खिलाफ सीधा सीधा बलवा करती है. But the Bible guarantees that the day of judgment will come. लेकिन बाइबल के अंदर प्रमाणित है और लिखा है कि न्याय का दिन अवश्य आएगा. And each one of us will have to answer to our God for our lives and what we did with what he gave us. और हम में से हर एक को परमेश्वर को जवाब देना होगा कि इस जीवन के साथ हमने क्या किया. To the world around, this message will be a message of doom and darkness. दुनिया भर के लोगों के लिए ये जो संदेश है वो अंधकार का संदेश है. But to you and me who fear the name of the Lord. लेकिन आपके और मेरे लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं. We have a different response to this message. हम जब इसे पढ़ते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ और होती है. Verse 2 says, but for you who fear my name. दूसरे वचन में लिखा है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए जो मेरा भय मानते हो, तुम जो मेरी आराधना करते हो, you who tremble at the word that I speak to you, तुम जो मेरे वचन के आगे कांपते हो, you who honor my presence when you gather together, तुम जो मेरी उपस्थिति का आदर करते हो, you who obey the voice of the Lord your God and walk in his ways, तुम जो अपने प्रभु परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके पीछे जाते हो, for you who fear my name, तुम
तुम जो मेरे नाम का भय मानते the son of righteousness will rise with healing in his wings. धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे. You shall go out leaping like calves from the stall. तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे. And you shall tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet in the day when I act, says the Lord of hosts. तब तुम दुष्टों को लताड़ दोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे, सेनाओं के यहोवा का. This is an amazing prophecy, people of God. परमेश्वर के लोगों, ये भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है. ये भविष्यवाणी अभी हमारे भविष्य में पूरी होनी बाकी है. These verses can be very dreadful for a small set of people. जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ये सुनना बहुत ही भयंकर है. But you who have heard the voice of the living God, you have begun to worship the living God, you have begun to walk in the fear of the Lord, the story is different. लेकिन आपके लिए जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे जाते हैं, आपके लिए ये भविष्यवाणी. Shout hallelujah to the Lord. जोर से चिल्लाए हालेलुया. We are a special people for God. हम परमेश्वर के लिए खास लोग हैं. He has good news for us. उसके पास हमारे लिए सुसमाचार है. To us who fear the name of the Lord. हम जो उसके नाम का भय मानते हैं. Of righteousness shall rise with healing in his wings. धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से हम चंगे होंगे. Healing happens by the stripes of the Lord Jesus Christ. चंगाई हमेशा यीशु के कोड़ों के द्वारा होती है. I have known healing happen to me by the word of the living God which I meditate and speak on my body. मैंने सुना है, मैंने देखा है, जब परमेश्वर का वचन मैं मनन करता हूं, मेरे शरीर में चंगाई आती है. I have also seen healing happen to me by the anointing of the oil by the men and women of God. मैंने तब भी देखा है जब चंगाई मेरे अंदर आती है, जब कोई अभिषिक्त मुझ पर तेल लगा. I also have seen healing happen when a believing person like that sister there laid hands on the sick and prayed for them. मैंने तब भी देखा है जब कोई स्त्री जाकर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, पुरुष प्रार्थना करते हैं, चंगाई होते हैं, मैंने देखा है. For people that don't believe in any of the supernatural ways of God's healing, I've seen healing happen by the medicine that doctors prescribe to them. तो जितने लोग अलौकिक कामों में विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में भी दवाइयों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा परमेश्वर चंगाई भेजता है. But this verse is talking about another method of healing that's going to take place from now onwards. लेकिन इस वचन में एक ऐसी चंगाई के विषय में लिखा है जो अभी तक नहीं हुई और जो होने वाली है. धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों में ही चंगाई होगी. I was meditating on this verse a long time actually. काफी समय तक मैंने इस वचन पर मनन किया. The Lord started speaking to me about this new method of healing that God's going to accomplish in churches. परमेश्वर ने चंगाई देने के इस नए तरीके के विषय में मुझसे बात की. And this morning as I was sitting there and listening to the testimonies that the sisters were saying. और जब मैं वहां बैठकर इन गवाहियों को सुन रहा था जो बहन दे रही थी. What a powerful testimonies we have in the body of Christ. परमेश्वर की देह के अंदर कितनी अद्भुत गवाहियां हैं. How when child of God just prays a simple prayer to the Lord of Almighty of heaven and earth, come down and begin to heal the people that don't deserve the healing. कैसे परमेश्वर की एक संतान एक साधारण सी प्रार्थना करती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देकर अद्भुत काम करता है. But in the midst of that, the Lord is speaking to my heart. लेकिन उन सब बातों के बीच में परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला. And I thought myself in my heart, the hospitals will have to close down their businesses. मैंने अपने मन के अंदर सोचा कि जो अस्पताल हैं उनका व्यापार अब बंद होना है. In fact, I heard the inside my heart and to exhort you not to start any new hospitals if you're a businessman, not to start a new hospital. मेरे हृदय के अंदर आया कि मैं आपको प्रोत्साहन दूं कि अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप एक कोई नया अस्पताल अब शुरू मत कीजिए. Many people are trying to invest a lot of money into different new businesses. बहुत सारे लोग नए-नए व्यापारों में बहुत सा पैसा डालते हैं. And hospitals are one of the greatest source of income these days for the managements. और अस्पताल आजकल के लोगों के लिए बहुत अच्छी कमाई का जरिया है. Actually, hospitals and schools were started for the benefit of the service of humanity. असल में अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण इसीलिए किया गया ताकि मानवता को लाभ पहुंचे. But a couple of months back, the Holy Spirit spoke to me and I wrote something about the hospitals and the schools becoming great exploitation centers. लेकिन कुछ समय पहले मुझे ये प्रकाशन मिला कि अस्पताल और स्कूल ही लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं. The schools exploit the parents and the children by the money and the time and the effort they seek from the families. आजकल के जो स्कूल हैं वो धन और अलग अलग तरीके से जो पिता माता और उनके बच्चों को लूटते हैं. I'm sure you'll agree with me that hospitals also loot so much of money. When we go there in a very very distraught, very disappointed, very very weak situation, how much money and how much of our wealth they loot from us. आप, मैं जानता हूं, इस बात से सहमत होंगे कि हम जब अपने दुखी अवस्था में अस्पतालों में जाते हैं वो हमारा कितना पैसा, कितना समय, कितनी ऊर्जा हमसे लूट लेते हैं. Unless you have been in such a situation, you will never realize the pain and the trauma that you go through when you are sick and admitted in the hospital. जब तक आप खुद कभी
भी इस परिस्थिति से ना गुजरे हो आप नहीं समझ पाएंगे कि एक बीमारी के साथ अस्पताल में रहना कितना कठिन है. So there is, God is speaking about the great exploitations that's happening in the midst of a society. तो परमेश्वर इस समय हमें बता रहा है कि समाज में होने वाली ये लूट कैसी है. When I prayed to the Lord about it, the Lord answered me, I will close down these hospitals. जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उत्तर दिया और कहा कि मैं इस लूट को खत्म करने वाला हूँ. How will he close down the hospitals? कैसे वो इस अस्पतालों को बंद करेंगे? Why don't people need medicine? Don't people need healing and treatment and diagnostic procedures in their life? लोगों को चंगाई की जरूरत है, दवाइयों की, डॉक्टरों की जरूरत है. The Lord says he'll close down medical colleges. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेडिकल कॉलेज भी मैं बंद करने जा रहा हूँ. I'm sorry, nurses and doctors, you might lose some jobs. I'm telling you, you better look for some other jobs now. मैं यहाँ पर बैठे नर्स और डॉक्टरों से बोलना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए, आप शायद अपनी नौकरी गवा देंगे, कोई और काम ढूंढ लीजिए. I'm quite surprised at what God the Lord is going to really do in this situation. मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ ये सोच कर भी कि प्रभु क्या करेगा इस परिस्थिति में. But then the Lord told me this thing. लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, He said, "Do you see the sunrise there?" क्या तुम सूर्योदय देख रहे हो वहाँ पर? I said, "Yes, every day I see sunrise." मैंने कहा, हाँ, मैं हर दिन देखता हूँ. Do you see the sun's rays spreading all over the universe, all over the earth, and every corner darkness is removed and rays of sun fill and flood those places. क्या तुम देखते हो कि कैसे सूर्य की जो किरणें हैं सारी पृथ्वी पर छा जाती हैं, अंधकार दूर हो जाता है और ज्योति आ जाती है. And all the requirements of the earth are the green leaves and all the skin. Our skin requires sunlight. All the requirements of human beings regarding sunlight is fulfilled every other day. Every day the sun rises and requires all its fulfillment requirements. प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि हमारी चर्बी में भी जो सूरज की किरणों की जरूरत होती है, वो सारी ऊर्जा हर दिन हमको आराम से मिल जाती है. And then the Lord led me to understand this whole Bible verse here. तब परमेश्वर ने मेरा ध्यान इस बाइबल के वचन पर डाला. In a world where sickness is so heavily increasing, इस दुनिया में जहां बीमारी इस तादाद पर बढ़ रही है, where it has become a commercial thing to treat the sick people, जो अब आज के दिनों में बीमारों को चंगा करना, ठीक करना भी एक व्यापार बन गया है लोगों के लिए, where it used to be a service to humanity, पहले के समय में वो मानवता को लाभ देने के लिए था, where it's become a commercial enterprise to loot people when they are sick, लेकिन आज ये सब व्यापार बन चुका है लोगों को लूटने के लिए, where the grocery shops, the bakeries and all the chemicals that they provide on the food that we eat, the fruits that we eat, the grains that we eat, so much doused with the chemicals destroying our kidneys. कितने ही किराने की दुकानों में और बड़े बाजारों के अंदर आज जो फल और सब्जियां भी मिलती हैं, उनमें भी इंजेक्शन डाल के दवाइयां डालते हैं ताकि वो बड़े हो, लेकिन वो हमारे शरीर को घात करते हैं. Every kind of sickness is increasing naturally and also by human involvement in the life of other people. बहुत सी बीमारियां प्राकृतिक रीति से बढ़ती जा रही हैं और बर्बादी बढ़ती जा रही है. And with all the stress and the strain that each individual carry in this terrible world, there's so much increase in the rate of sickness in people's lives. इस दुर्घटनाग्रस्त दुनिया के अंदर कितने ही सारे लोग हैं जो अभी भी चिंता और परेशानी को लेकर चल रहे हैं, उसी कारण बहुत बर्बादी हो रही है. And the Lord says to you who believe on this, on you who fear the name of the Lord, the Sun of Righteousness will rise on you, and healing will happen by the radiance of the Sun of Righteousness upon you. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए सूर्य उदय होगा जो धार्मिकता का सूरज है, और उसकी किरणों से तुम चंगे होगे. Think about this. एक बार इस विषय में सोचिए. This morning the sisters were singing a song, "You have thousands of names, with which name shall I worship you?" आज की सुबह यहाँ बहनें गा रही थी कि प्रभु आपके हजारों नाम हैं, किस नाम से मैं आपको पुकारूं? This is one of the names that's going to be realistic for you now. अब आपके जीवन में ये भी एक और नाम है जो आपके लिए वास्तविक बनने जा रहा है. The Son of Righteousness, Jesus Christ, the Living God. धार्मिकता का सूरज, यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर. That is a special name. ये एक खास नाम है. Every name has a meaning in it attached to our needs for our lives. हमेशा हर एक नाम का एक मतलब होता है, उसी पर आधारित होता है हमारा जीवन. It is the same God, but he is being displayed and manifested and expressed to us so that we might understand him as a solution for our lives in the different situations of our life. वो एक ही परमेश्वर है जिसके अनेकों नाम है, और उन नामों के द्वारा उसका चरित्र हमारे आगे दिखाया जाता है ताकि हम अपनी जरूरतों में समझ सके कि हमारी जरूरत को पूरा करने वाला वो है. This morning we heard about Emmanuel, the Lord with us all the time. He never leaves us nor forsakes us.
सुबह हमने यहाँ सुना है इम्मानुएल नाम है उस परमेश्वर का जिसका मतलब है वो हमेशा हमारे साथ है कभी छोड़ता नहीं है And here is the Son of Righteousness. और आज हम पढ़ते हैं कि धार्मिकता का सूरज And the special qualification, he rises with healing in his wings. और उसके अंदर एक अद्भुत खासियत है कि उसकी किरणों में ही चंगाई है And for those that have come under his wings, for those that have come under his authority, the radiance of his righteousness is going to bring healing to their bodies, their spirits and souls. और जो लोग उसके पंखों की ओंठ में आते हैं उसकी धार्मिकता के अधिकार में आते हैं उनके ऊपर वो चंगाई प्रकट हो जाती है This is one way of healing that has not been practiced so far actually. ये अभी तक ऐसा एक चंगाई का तरीका है जो अभी तक कलीसिया में उपयोग नहीं किया गया. And this is quite natural because this is set before the end days. ये बहुत ही प्राकृतिक है क्योंकि अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है ये. And if you understand the Bible and the events of the world, the end days are just round the corner. The Lord Jesus is going to come back and put a finish and end to what is happening in the world now. और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और समाचार देख रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि हम बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं जहां यीशु का आगमन बहुत निकट है और बहुत जल्द वो कार्य करने वाला है. This method of healing is going to be implemented immediately through the churches. अचानक से ये चंगाई का तरीका कलीसियाओं के द्वारा प्रकट होने वाला है. Through those that believe in the word of God, through those that fear the name of the Lord, the healing by the radiance of the Son of Righteousness is going to happen and that healing is going to be universally applied for everyone who believes in the name of the Lord Jesus. जितने लोग परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं उन सब के द्वारा धार्मिकता के सूरज के द्वारा उसकी किरणों के द्वारा चंगाई प्रकट होने वाली है सिर्फ एक देश तक नहीं लेकिन पूरे ब्रह्मांड तक प्रकट होगी. It will not be that just a few people are healed here and there. सिर्फ ऐसा आप नहीं सुनेगा कि यहाँ पर एक या दो की चंगाई हुई है. Everyone who comes under the radiance of the light of the Son of Righteousness. हर एक मनुष्य जो उस सूरज की किरणों के अंदर आएगा. See, when sun shines, the light goes into every room, every place, every corner. देखिए जब सूरज उदय होता है तो उसकी किरणें हर कमरे में हर कोने में हर जगह तक पहुंचती हैं. Jesus, the Son of Righteousness. यीशु धार्मिकता का सूर्य है. Will flood you with his light and radiance. वो आपको अपने उजाले से भर देगा. The more you worship him, the more you adore him. जितना अधिक आप उसकी आराधना करेंगे, the more you exalt his name. जितना अधिक उसको ऊंचा उठाएंगे, the sun of righteousness will shine more brighter in your life. ये धार्मिकता का सूर्य आपके ऊपर और अधिक चमकेगा. And every time the sun shines, the radiance hits every person in the pathway of the light. और जब-जब सूर्य उदय होता है, तो उसकी किरणें लोगों तक पहुंचती हैं हर जगह. Are you understanding what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Healing is going to come through the radiance of the light of God's glory. Actually, ऐसी चंगाई प्रकट होने जा रही है जो परमेश्वर की किरणों परमेश्वर की महिमा के द्वारा होने वाली है. The healings that we see these days is by the anointing of the Holy Spirit. इन दिनों में जो चंगाई हम देख रहे हैं वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उतरा. But a greater dimension of healing is to happen through the glory manifestation of the Lord Jesus Christ. लेकिन यीशु के महिमा में प्रगटीकरण के द्वारा एक ऐसा अद्भुत चंगाई का वातावरण Revivals of anointing is happening throughout the nations now. पूरे देश-देश के अंदर अद्भुत बेदारी और अभिषेक उतर रहा है. We just celebrated 100 years of Azusa Street anointing, which is the anointing of the Holy Spirit flowing out of there. अभी हमने बस कुछ समय पहले ही अजूसा की बेदारी के 100 वर्ष को मनाया है और एक अद्भुत अभिषेक पवित्र आत्मा का बह रहा है. But the time has come for another kind of revival, which is the glory revival. एक और बेदारी आने का समय आ चुका है. जो कि होगी एक महिमा की बेदारी. 2 weeks back, a young man rang me up and spoke to me something on the phone. 2 हफ्ते पहले एक नौजवान ने मुझे फोन करके कुछ कहा. He asked me, Pastor, I read your book on the glory of God. पास्टर मैंने आपकी वो किताब पढ़ी है जो परमेश्वर की महिमा पर आधारित है. You are preparing the church of God for the glory to come. आप परमेश्वर की कलीसिया को आने वाली महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं. All the chapters you talked about how to prepare for the glory, I appreciate. सारे अध्यायों में उसने मुझसे कहा कि उसने देखा परमेश्वर की महिमा कैसी है उसे बहुत अच्छा लगा. But after reading your book, I have a huge question in my heart. लेकिन किताब पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक सवाल है. I know I must do certain things to prepare for the glory. हाँ मुझे उस महिमा के लिए तैयार होने के लिए कुछ करने की जरूरत But है. What exactly is the glory? Tell me, Pastor. लेकिन महिमा असल में होती क्या है? What is the content of God's glory? क्या है परमेश्वर की महिमा का तत्व?
You said we are going to carry God's glory. आप कहते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा लेकर चलेंगे. You said churches are going to be filled with glory. आप कहते हैं कलीसियाएं परमेश्वर की महिमा से भरने वाली हैं. You said even our homes where we eat food together on the table will be filled with the glory of God. आप कहते हैं हमारे घरों में जिस मेज पर हम बैठकर खाते हैं वहां परमेश्वर की महिमा आएगी. You said we will physically see it with our eyes. आप कहते हैं हम अपनी आंखों से देखेंगे. But tell me, what is the content of God's glory? लेकिन मुझे बताएं असल में परमेश्वर की महिमा होती कैसी है. Actually, I never thought about it. असल में बोलूं तो मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में. So I couldn't answer the boy. इसलिए मैं उस लड़के को जवाब नहीं so दे पाया. So I went back and prayed to the Lord. तो मैं वापस गया और परमेश्वर से प्रार्थना की. And he started reminding me what I knew about the glory. परमेश्वर मुझे याद दिलाने लगे मैं महिमा के विषय क्या-क्या जानता हूं. He reminded me that glory is not the anointing. उसने मुझे याद दिलाया कि महिमा का मतलब अभिषेक नहीं है. The anointing is the power of God. अभिषेक का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ्य. It is the powerful presence of God. परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति. When Jesus is worshiped, when the blood of the lamb is honored, the Holy Spirit comes in all his presence and the presence engulfs the people and the anointing flows and brings healing and deliverance. जब यीशु की आराधना होती है उसके लहू की आराधना होती है तब पवित्र आत्मा सामर्थ्य रीति से वहां उतरता है और अद्भुत कार्य को उस जगह में प्रकट करता है. So anointing is the power of God given to weak people to do mighty things which they normally cannot do by themselves. तो परमेश्वर का अभिषेक कमजोर लोगों पर उतरता है ताकि वो उन बड़े कार्यों को कर सके जो वो खुद के बल से नहीं कर पाते. But glory is greater than the anointing. लेकिन जो महिमा है वो अभिषेक से भी बड़ी है. In the glory there is the power of God to heal, to deliver and sick and to raise the dead. Yes, it is there. देखिए महिमा के अंतर्गत वहां पर लोगों को चंगा करना उनको छुटकारा देना और मुर्दों को जिलाना तो है ही. So power of God, the anointing of God is a part of the glory. देखिए जो परमेश्वर का सामर्थ्य और उसका अभिषेक है वो महिमा का एक भाग है. But glory is greater than that. लेकिन महिमा उससे कई गुना बड़ी है. Glory is God himself appearing and manifesting in all his power. महिमा स्वयं परमेश्वर खुद है प्रकट होता हुआ लोगों को नजर आता हुआ. Because God is so immensely awesome and unexplainable in our hearts. क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में बिना किसी परिचय बिना किसी परिभाषा के है. We cannot explain God at all. हम परमेश्वर को किसी और को समझा नहीं सकते. He's beyond our intellectual understanding. वो हमारी समझ से बिल्कुल परे है. We can only experience him and his love. हम सिर्फ उसको और उसके प्रेम को अनुभव करते हैं. No man can really explain the wholesomeness of God. कोई भी कभी भी परमेश्वर की भरपूरी को बता नहीं पाएगा. And for the same reason we cannot really explain the glory of God because glory of God is a complete manifestation. इसीलिए कभी भी हम परमेश्वर की महिमा को भी पूर्ण रीति से नहीं बता पाएंगे क्योंकि महिमा खुद परमेश्वर है. This morning I talked to you that we have an environment in which we live, which is the presence of God. आज की सुबह मैंने आपको बोला कि हमारा एक वातावरण होता है जिसके अंदर हम रहते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं. I talked to you about fish living in the environment of the water and that's where it thrives and multiplies. मैंने आपको कहा था मछली जो जल में रहती है और जल के वातावरण में ही फलती फूलती है. So water is the environment of the fish. तो जो जल है वो मछली का वातावरण है. The moment you take fish out of the water, it's out of its environment and its deterioration starts, its death starts. अगर आप मछली को जल में से बाहर निकाल देंगे तो उसका तबाह होना शुरू हो जाता है, मरने लगती है वो. Even if you take the fish in out of the sea or the river and put it in an aquarium, the life of the fish is actually shortened because it's different from its atmosphere originally given to it. अगर आप समुद्र से किसी मछली को निकालकर घर में रखे एक्वेरियम के अंदर डाल देंगे तो उसकी जीवन उसकी आयु बहुत कम हो जाएगी, जल्दी मर जाएगी वो. I also told you about the huge lion in the dense forest and the jungles. मैंने आपको ये उस विषय में भी कहा था कि एक बड़ा सींग एक शेर जंगल में रहता हुआ. If you take the lion out of the jungle and put it in a zoo in a park, it'll still be a lion, but it'll be actually a weak kind of lion. अगर आप उस सींग को जंगल में से लेकर किसी चिड़ियाघर में डाल देंगे, हालांकि वो एक सींग तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी होगी. It will have lost its real lioness, the lion ability. उसके अंदर एक असली सींग का जो खास है वो नहीं होगी. Until it's in the jungle, it pounds on other animals, it grows and tear and eat the raw flesh. It'll never be that real lion. जब तक ये सींग उस जंगल में था, तब तक ये ताकतवर था और किसी भी जानवर को पकड़कर खा सकता था. Those zoo is a safe place. Those zoo people feed him. Those zoo people actually enjoy the lion. The lion is out of his original environment when it's outside the jungle. हालांकि चिड़िया के अंदर जो सींग है, वो सुरक्षित है. उसको समय से उसका
उसका खाना भी मिलता है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, फिर भी जो सींग है वो अपने वास्तविक वातावरण से बाहर है. Just like the fish has water as its original environment. जैसे ही मछली का जल उसका वातावरण होता है. Just like the lion has the jungle as its original environment. जैसे एक सींग का असली वातावरण जंगल होता है. Our creator has given us his presence as our original environment. तो हमारा भी असली वातावरण है परमेश्वर की उपस्थिति. We do our best, we rise to maximum potential, we multiply, we shine, we produce highest level when we are enclosed by the living presence of the living God. हम अद्भुत रीति से बढ़ते हैं, गुणन करते हैं, अपने जैसे बहुत से लोगों को देखते हैं, उन्नति करते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के घेरे में होते हैं. To whatever extent you are pulled out of the presence of God. जितने स्तर पर आप परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होंगे. Say with me, presence of God. सब लोग मिलकर कहें परमेश्वर की उपस्थिति. Shout presence of God. जोर से चिल्लाएं परमेश्वर की उपस्थिति. Shout hallelujah for the presence of God. उसकी उपस्थिति के लिए जोर से कहें hallelujah. People, presence of God is not a bonus for you. देखिए जो परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए कोई बोनस नहीं है. Presence of God is a foundational requirement for you. आपके जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है. You live your life to the highest potential when you are enclosed by the presence of God. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप अपना जीवन सही मायने में जी पाएंगे. That's why, as a deer panteth for the water, we hunger, we long for the presence of the living God. इसीलिए जैसे एक हिरण पानी के लिए प्यासा है, तड़पता है, वैसे हमारा प्राण भी परमेश्वर के लिए तरसता है. The world deceives us, religion deceives us, money deceives us, pleasures deceives us to give us satisfaction apart from the presence of God. जो दुनिया है, संसार है, धन है और जितना कुछ भी इसमें है, वो सब हमें धोखा देता है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएं. We ought to become smarter and sharper and say, I will thrive in the presence of God because it's my original environment. लेकिन हमें बुद्धिमान होना है, समझदार होना है और बोलना है कि नहीं, चाहे जो भी हो, मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा क्योंकि वो मेरा वातावरण है. Shake somebody and say, you are created to be enclosed by the presence of God. किसी को हिलाकर कहें कि आपकी रचना इसीलिए की गई ताकि आप परमेश्वर के करीब रह पाएं. Come on, make it more convincing. You are created to be enclosed in the presence of God. उनसे कहें आपको इसलिए बनाया गया ताकि आप परमेश्वर के साथ रह पाएं. See, that's the reason why we are enjoying this home here. इसी कारण से हम यहां पर इस सभा में आनंद उठाते हैं. Why, this is the place where the presence of God is constantly working. क्यों? क्योंकि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर काम कर रही है. Do you know I came here at 6:00 or 6:30 in the morning? आप जानते हैं मैं सुबह यहाँ 6:30 बजे आया हूँ. I didn't even have my tea. सुबह से अभी तक चाय तक नहीं पी. I normally have a tea and rest and everything in the morning and have a good breakfast after that. सुबह मैं अच्छे से चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ, आराम करता हूँ. I'm sweating out, I'm jumping around, I mean tears have been flowing down. I think 2 liters of tears flowed out of my in every service I was crying and worshiping God. मुझे लगता है कि सुबह से लेके अब तक हर सर्विस में 2 लीटर आंसू बहा दिए हैं मैंने. But I'm not tired. लेकिन फिर भी मैं थका नहीं हूँ. Why? This is my original environment. क्यों? क्योंकि ये मेरा असली वातावरण है. This is where I was created to be. यहाँ रहने के लिए मुझे बनाया गया है. This is where you were created to be. यहाँ रहने के लिए आपको बनाया गया है. You are not taking a huge sacrifice to come into the house of God. यहाँ आने के लिए आपने कोई बलिदान नहीं किया. This is where you ought to be. यहाँ पर होना ही आपके लिए सही है. This is where you thrive and prosper. यहीं पर आप उन्नति पाएंगे. This is where you will rise up to your maximum potential in life. यहीं पर आप सही स्तर पर पहुंच पाएंगे. This is where you'll be highly productive. यहां पर आप उन्नति लाएंगे. This is where you'll shine for God with the glory of God. यहां पर ही आप परमेश्वर की महिमा से चमकेंगे. The presence of God is the original requirement in your life. परमेश्वर का जीवन आपकी परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए सबसे बड़ी जरूरत है. Hallelujah. But you cannot afford to have it just one Sunday morning. लेकिन आप सिर्फ संडे की सुबह ही इसको अनुभव ना करें. That's what the Bible says. Go home and spend time in the presence of the living God. इसलिए बाइबल हमें सिखाती है घर जाओ और उसकी उपस्थिति में समय बिताओ. Close the door behind you. Get in with your heavenly Father. Take the Word of God. Worship the living God. Sing your songs out to Him, and the presence of God will cover and encapsulate you. इसलिए घर जाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर की आराधना करो, उसका वचन पढ़ो ताकि उसकी उपस्थिति आपका ऊपर घेरा बनाए. Maybe in the
next room they may be doing ugly things, they may be worshiping the wrong gods. Ho sakta hai aapke ghar ke dusre kamre mein koi aur murti puja kar raha ho. But you who carry the glory of God, you kneel and worship God, the presence of the living God will flood your room and the neighboring rooms. Lekin aap jo parmeshwar ko jante hain, aap apne kamre mein aaradhana karenge to uski mahima aap par bhi utregi aur us par bhi jo dusre kamre mein hai. Even when we are traveling in a bus or a train, jab aap kisi bus ya train mein safar karte hain, even when you are busy doing your duties and responsibilities in a place of work, apni zimmedariyon ko jab aap apne karyalay mein pura kar rahe hote hain, we need to ensure that we walk and close in the presence of the Lord. Har samay chalte firte aapko uski upasthiti ka aanand uthana hai, because that is why you are created to be, kyunki isiliye aapko banaya gaya. And the glory is the complete manifestation of the complete presence of God. Mahima jo hai parmeshwar ki upasthiti ka bilkul pura ka pura pragatikaran hai. The perfect manifestation of the real person of God is the glory of God. Parmeshwar ke asli vyaktitv ka siddh pragatikaran mahima hai. God is going to lift us from the average presence of God that we see in churches today. Samantar ek upasthiti jo hum aajkal ki kalisiyon mein dekhte hain usse badhkar parmeshwar hame uncha utha raha hai. God is going to clothe his church with the glory of the living God. Parmeshwar apni kalisiya ko mahima ka vastra pehnane ja raha hai. As we order our lives before God in the ways and the word of God, jaise hum parmeshwar ke vachan aur uske marg mein apne jeevan ko sahi kram mein layenge, the glory of the Lord is going to be invested in us and out of us and flowing out of us into the world around us. Parmeshwar ki mahima hamare andar de di jayegi taki wo humse hamare aas paas ki duniya mein bhi phail jaye. And glory has a great connection with your righteousness that God gave you through the blood of the Lamb of God. Aur dharmikta ka aur mahima ka seedha seedha sambandh hai aapke dharmikta ke sath jo masi yeshu ke dwara mila. We were ordinary human beings. Hum sab sadharan log the. We were sinful people. Hum paapi log the. We were lustful people. Hamare andar लालसाएं थी. We were selfish people. हम स्वार्थी थे. We were angry, revengeful people. क्रोध करने वाले, बदला लेने वाले लोग. God has changed our lives. लेकिन परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया. God has changed us to want to no more live for ourselves but live for God and for other people. अब परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया कि अब हम खुद के लिए नहीं जीना चाहते, औरों के लिए जीना चाहते हैं. The average thoughts and average desires of a human being are being removed from our heart and a greater level of life is being given to us. एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो विचार होते हैं वो अब हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर से हट चुके हैं वो पुराने विचार. Because it is through you, through the order, through Christ likeness in you that God is going to bring the glory to the earth. आपके अंदर जो मसीह के प्रति समानता है, मसीह का जो क्रम है, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा. We who were called sinners with the label of sin on our name, on our head, हम लोग जो पापी कहलाते थे और पाप का जो कर्ज है हमारे सिर पर होता था, we were filled with sin and its consequences, हम पाप और उसके प्रभाव प्रतिफल से भरे हुए थे. Jesus came and washed us by his blood. यीशु आया, अपने लहू से उसने हमें धो डाला. But he went beyond that. और उससे अधिक भी उसने कुछ किया. He took off his righteousness and deposited on the inside of us. उसने खुद की धार्मिकता उतार कर हमारे अंदर डाल दी. Now this righteousness becomes a platform for the glory of God to come. तो अब अगर ये धार्मिकता हमारे अंदर है तो वो एक नींव का काम करती है उसकी महिमा उतारने के लिए. Righteousness is very connected to the glory of the Lord. जो धार्मिकता है वो महिमा से सीधा संपर्क रखती है. The Lord told me one line when I was traveling in a bus recently. जब मैं पिछले दिनों में बस में जा रहा था, परमेश्वर ने एक बात मुझसे कही. It was a 2.5 hour journey in a bus. मैं दो घंटे से उस सफर में था. And then I was thinking about this particular verse of righteousness being led leading to the glory of God. और मैं इसी वचन पर मनन कर रहा था कि धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होना. And I wrote inside my diary sitting on the car, sitting on the bus. और बस में बैठे-बैठे मैंने अपनी डायरी में लिखा. And God spoke to me this. और परमेश्वर ने मुझसे कहा, glory is the radiance of God's righteousness. महिमा परमेश्वर की धार्मिकता की चमक है. Glory is the radiance of God's righteousness. महिमा परमेश्वर की धार्मिकता का प्रताप है. I think that answer, this came to me as an answer for the question that the young boy asked me the other day. मुझे लग रहा है कि उस नौजवान ने जब उस दिन मुझे फोन किया तो उसका जवाब यही है. He asked me, Pastor, tell me what is the content of God's glory. उसने मुझसे पूछा, पास्टर मुझे बताएं परमेश्वर की महिमा होती कैसी है. About 2 weeks later, God spoke to my heart and said. दो हफ्ते बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा. Glory is the radiance of God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता की चमक है महिमा. Why is God glorious?
क्यों है परमेश्वर महिमा में? Because he is a perfectly righteous person. क्योंकि वो सिद्ध और धर्मी है. Why is Jesus glorious? क्यों है यीशु महिमा में? He is filled with righteousness. क्योंकि वो धार्मिकता से भरा हुआ His है. His thoughts are righteous. उसके विचार धर्मी हैं. His looks are righteous. उसकी देखने का तरीका धर्मी है. His attitudes and inspirations are righteous. उसकी मानसिकता विचारधारणाएं भी धर्मी हैं. His actions and every step is righteous. जो कुछ भी वो करता है सब कुछ धर्मी है. Jesus is the epitome of righteousness. यीशु मसीह धार्मिकता का अच्छा नमूना And righteousness has a radiance about it. और धार्मिकता की एक अलग ही चमक होती है. Because he is so full of righteousness. क्योंकि वो धार्मिकता से इतना भर गया है. He is called a son of righteousness. उसको हम धार्मिकता का सूरज बोलते हैं. And son has a brightness radiating from him. और सूरज की खासियत है उसमें से चमक बाहर निकलती है. Sun has a light emanating from it. सूरज के अंदर से उजाला निकलता है. Just like the rays of sun shall reach the corners of the uttermost parts of the earth. जैसे कि एक सूरज की किरणें दुनिया के छोर-छोर तक पहुंचती हैं. The light to the righteousness of Jesus Christ will cover all the earth. और यीशु का जो ज्योति है वो भी सारी पृथ्वी को भर देगा. The reason why Jesus is covered with glory is because he is filled with righteousness. यीशु मसीह महिमा से क्यों भरा है? क्योंकि उसके अंदर धार्मिकता है. But what does that do with you today? लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना है? How many of you know that you have been given the righteousness of Jesus Christ? आप में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु की धार्मिकता आपको मिली है? You were granted free righteousness through the account of Jesus Christ. मुफ्त में यीशु के खाते में से वो धार्मिकता आपको दी गई है. Your name is not a sinner anymore. अब आप पापी नहीं जाने जाते. Your inside nature is not sinful anymore. आपका अंदर का स्वभाव अब पापमय नहीं है. Your flesh may be getting the better of your times. हो सकता है कि आपका शरीर कभी-कभी कमजोर हो जाता है. But your true nature on the inside is full of righteousness. लेकिन आपके अंदर जो असली स्वभाव है वो पूरा धर्मी है. You are the righteousness of God in Christ Jesus. आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में. You have no relationship with sin actually. पाप का असल में आपके साथ कोई संबंध नहीं है. God has cut you off from sin and the sinfulness that was inside you now. पाप में जीवन के साथ जो आपका नाता था परमेश्वर ने उसे तोड़ दिया है. If you awake to righteousness, you can walk without sin actually. अगर आप जान जाएंगे कि आप धर्मी हैं तो आप पाप से दूर रहेंगे. That righteousness of God inside you. वो धार्मिकता अब आपके अंदर है. Has a radiance to it. लेकिन उसकी अपनी एक चमक है. It has a light. To it. उसकी अपनी एक उजाला है. As you become more and more conscious of the righteousness inside you. जैसे-जैसे आप जानेंगे कि आप कितने धर्मी हैं मसीह में. As you begin to transform your thinking through the righteousness of Jesus Christ. जैसे यीशु की धार्मिकता के द्वारा आप अपने मन को नया करेंगे. As you begin to allow the Lord your God the Shepherd to walk you and lead you in the path of righteousness which is on the inside of you. जैसे-जैसे आप परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो अपनी धार्मिकता के मार्ग में आपको ले चले. As you keep away every unrighteousness every wickedness because you love righteousness and hate wickedness now. जैसे जैसे आप हर अधार्मिकता को दूर रखेंगे क्योंकि अब आप धार्मिकता से और यीशु से प्रेम करते हैं. That light of the righteousness will begin to shine greater and greater inside you. वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और अधिक बढ़ता जाएगा आप में. When that light shines out of you, it is called the glory of God emanating from you. जब आपके अंदर वो प्रकाश चमकने लग जाएगा तो वही है परमेश्वर की महिमा. Jesus became your righteousness. यीशु आपकी धार्मिकता बना. Jesus is your righteousness. यीशु आपकी धार्मिकता है. You have no need of other righteousness. आपको किसी और धार्मिकता की जरूरत नहीं. Jesus, your righteousness Yeshu, is inside you. वो आपके अंदर है. And Christ in you is the hope of glory. वो आपके अंदर मसीह है जो आपकी महिमा की आशा है. Show me, Christ is inside me. सब लोग कहें मसीह मेरे अंदर है. Christ is inside me. मसीह मेरे अंदर है. He's my righteousness. वो मेरी धार्मिकता है. He's the Son of righteousness. वो धार्मिकता का सूर्य है. He's shining from inside me. वो मेरे अंदर से चमक रहा है. That light is the glory radiating from my righteousness. वो जो प्रकाश है वो मेरे अंदर धार्मिकता का प्रकाश है. I am destined for glory. मेरे अंदर परमेश्वर की महिमा है. I'm going to carry glory. मैं महिमा लेकर चलूंगा. I love righteousness. मुझे धार्मिकता से प्रेम है. I walk in righteousness. मुझे धार्मिकता में चलना है. I begin to train in righteousness. मैं धार्मिकता में निपुण हो जाऊंगा. I reign by righteousness. मैं धार्मिकता के द्वारा जय पाऊंगा. I'm producing fruit for righteousness. मैं धार्मिकता के लिए भूखा हूं. The radiance of righteousness is the glory of God. धार्मिकता का प्रकाश ही परमेश्वर की महिमा है. Will you rise up with me this morning? क्या आप सब अपने पैरों में खड़े
खड़े होंगे इस People, समय। you are calling is so incredible. देखिए आप सब जाने आपके जीवन में बहुत बड़ी बुलाहट You're not just to live an average life on the earth. एक सामान्य जीवन जीने के लिए आपको नहीं बुलाया गया। You're not just, you're supposed to just pray and cry before God and receive some blessing from Him. सिर्फ इसलिए आपको नहीं चुना गया कि आप रोकर आंसू बहाकर उसके कुछ आशीषों को ले लें। You're not supposed to just cry out to God when a sickness comes and find healing and find joy in that. आप सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि आपके अंदर की बीमारी दूर हो जाए और कुछ देर का आनंद आपको मिले। You've been called with a greater call. आपको एक बहुत बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया गया है। You've been invested great things into your life. आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी चीजें रखी गई हैं। You are carrying the righteousness of the Lord Jesus Christ. आप यीशु की धार्मिकता लेकर चलते हैं। You are called to produce fruit of righteousness. आप एक ऐसा धार्मिकता का भोजन लेकर चलते हैं। As you walk, as your righteousness leads you in front of you. जैसे आपकी धार्मिकता आपकी अगुवाई करती है The glory of the Lord shall be your rear guard. परमेश्वर का जो महिमा है वो आपकी सुरक्षा करेगा Why glory is the radiance of God's righteousness in you. क्योंकि महिमा ही है धार्मिकता का प्रकाश आपके अंदर Will you close your eyes for a minute? सब अपनी आंखें बंद करें एक क्षण